खरगोन जिले में कोरोना वायरस को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। इसका पता तब चला जब बस स्टैंड परिसर में मशीन से दवाई का छिड़काव किया जा रहा था। दरअसल देश प्रदेश सहित खरगोन जिले में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला, जहां लोग घरों में दुबके बैठे हैं। वहीं शहर भर में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस बल शासन की मंशा को आम लिजामा पहनाकर राष्ट्रीय हित में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस दौरान नगरपालिका अमले ने भी खरगोन जिले की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शहर भर में स्कैनिंग छिड़काव शुरू कर दिया और इस बात का दावा किया कि जिले को कोरोना मुक्त करना उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास करके स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। बहरहाल स्कैनिंग छिड़काव के माध्यम से प्रशासन जिले को संक्रमित बीमारी से बचाने की हर कोशिशों में जुटा दिख रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये छिड़काव के लिए हम लोगों के द्वारा पूर्ण का जुगाड़ किया गया है। असेंबली नई उसमें लगाई है, मशीन पुरानी है। ये पहले कभी इमरजेंसी छिटने के काम में आती थी, उसी टेक्निक के ऊपर हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं इसमें और रोड के दोनों साइड चल रहे हैं। ये मशीन बीच में चलती है, जैसे संपूर्ण रोड कवर हो रहा है। आज से चालू की गई है? आज से ही चालू की है और जन सहयोग से चालू की है। ये पूरे शहर में इसका छिड़काव? पूरे शहर में कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम सर आपका? कमल सिंह पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।